गाइज अगर आप लोगों ने ऑनलाइन बुक करे हैं अपने ऑटो एक्सपो के पासेस नोएडा के 2023 की, तो आपके लिए वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका होने वाला है पोपट, आप भी होने वाले हैं परेशान हमारी तरह। तो बने रहिए और देते हैं हम लोग पूरी अपडेट आपको, कैसे क्या हुआ, किस तरीके से हम लोग धक्के खा रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों हुआ क्या है कि हम लोगों ने बुक करे थे पासेस और बिजनेस आवर्स के करे थे फर्स्ट डे के, जो रश कम रहता है, बट ऑनलाइन बुक माई शो से। बट उसके बाद हमारे मैसेजेस आए कि आप 2 नंबर पास, आप 5 नंबर गेट पे जाएं, 3 नंबर पे जाएं, एंड यू गॉट योर टिकट्स। तो हम लोग गाड़ी में पार्क करी हमने नासा पार्क में, जिसकी वीडियो में बाद में शेयर करूंगा आपको, और हम लोग चले गए गेट नंबर 5 पे। ऑटो से चार्ज अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज़ पार्किंग से। तो वहाँ पता लगा कि वहाँ पे टिकट इशू नहीं होगा, टिकट इशू करने के लिए हमें गेट नंबर 2 पे जाना पड़ेगा, और दोनों गेट का डिस्टेंस करीब करीब 1 किलोमीटर से ज़्यादा है, 1.5 के अप्रॉक्स रहेगा। तो हम लोग जा रहे हैं गेट नंबर 2 पे, वहाँ से एक काउंटर से टिकट इशू कराएंगे और फिर जाके गेट नंबर 3 से हमारी एंट्री होगी। तो लुक्स, बट मौसम अच्छा है, वो तो गर्मी नहीं है बहुत ज़्यादा, वैसे प्रॉब्लम हो जाती है, और रश फर्स्ट डे है तो रश इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। बिजनेस आवर से महंगा टिकट है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो बने रहिए वीडियो को और देखिए किस तरीके से टिकट इशू होगा अगर आपने ऑनलाइन बुक कर रखा है, और ऑनलाइन बुक नहीं भी कर रखा तो पेमेंट करके कैसे आप टिकट ले सकते हैं। इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस और सब कुछ इस बार नए तरीके से हो रहा है, यहाँ पर सब कुछ बुक माई शो कर रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं काउंटर पे, टिकट काउंटर पे, वहाँ से टिकट कराते हैं इशू पहले। सो गाइस ये टिकट काउंटर है सामने, हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे, और रश बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर वो लोग हैं जो ऑलरेडी बुक करके आए हैं, तो उनको सिर्फ टिकट इशू कराना है और फर्स्ट डे है। तो लेट्स सी कैसे टिकट इशू करते हैं। सो गाइस ये है सामने वेब चेकिंग, और विंडो तक मैं पहुंच गया हूँ, बहुत ज्यादा रश नहीं है, इट विल टेक 5 to 7 मिनट। और यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सा स्कैन कर रहे हैं टिकट्स को देख के, आपका जो बारकोड आया था, और आपको टिकट इशू कर रहे हैं। लेट्स सी, ये सामने स्कैन करा मैडम ने और टिकट इशू करा। चलिए मेरा टर्न आ गया तो प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो ये मेरा टिकट इशू करा, थोड़ा इशू आ रहा है मोबाइल से कर नहीं रहा बारकोड रीड, तो मैडम जी नाराज़ सी भी लग रही हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया बारकोड रीड हो गया, और मैडम ने पूछा कितने टिकट हैं, 3 टिकट थे भैया, तो इन पासेस चल रहा है ये फ्लैग करके चेक करके, और नौ टिकट इशू हो जाएगा। मतलब 5 मिनट का ही खेल है, ज़्यादा नहीं है बशर्ते भीड़ ना हो, लेकिन पता होना इंपॉर्टेंट है। इस 5 मिनट से पहले मेरा 1 घंटा बर्बाद हो गया और 1.5 किलोमीटर चलना भी पड़ा, शुक्र था कि मौसम ठीक है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाती। इट्स सो सिंपल एंड स्मार्ट। थैंक यू भाई साहब, टिकट मिल गए, अब कोई टाइम वेस्ट नहीं करते और इमीडिएटली चलते हैं, ऑटो एक्सपो में ऑलरेडी 1 बजने वाला है, तो जल्दी से चलते हैं गेट नंबर 2 की तरफ, सॉरी गेट नंबर 3 की तरफ एंट्री करने के लिए। और भाई बेचारा क्या यहाँ पे खूब सारे स्टॉल लगे, अरे ये क्या है, गाड़ी इधर उधर पार्क करते हो तो भैया तैयार हो टो होने के लिए, गाड़ियाँ इंतजार कर रही हैं आपका, और साथ में गर्म शकरकंदी और ये सब चीज़ें भी मिल रही हैं यहाँ पे। तो आइए चलते हैं जल्दी से गेट पे पहुँचते हैं, दो साथी हमारे वहीं पर हैं। सो गाइस हम लोग पहुंच गए गेट नंबर 3 पे, देखेंगे बहुत ज़्यादा रश नहीं है तो जल्दी से हो जाने चाहिए एंट्री। सिक्योरिटी चेक, गेट नंबर 3 एक्सप्लोर, और ये चेक पॉइंट है। अच्छा, इन्होंने मेट्रो स्टेशन वाले गेट बैरियर यहाँ पे लगा रखे हैं, टिकट दिए वो बारकोड रीड करेगा और वो गेट ओपन हो जाएगा, तो डेट्स गुड। तो भाई साहब मैं तो आ गया हूँ अंदर, अब देखते हैं ये साथी लोग आ रहे हैं अंदर। ये मिस्टर सोनू वर्मा है, ये अपना बारकोड स्कैन करवा रहे हैं, और ये सामने बहुत सिंपल, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये हमारे दोनों शेर आ गए, लेट्स सी। इसके बाद सिक्योरिटी चेक है, आपका बैग आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, मेटल डिटेक्टर है और वो सब चीज़ें हैं। तो ये मेरा बैग गया अंदर, कैमरा ये लोग अलाउ कर रहे हैं हाथ में लेके जाने के लिए, थैंक्स टू सिक्योरिटी। तो ये आसान में दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा सिक्योरिटी चेक हो रहा है इस टाइम, पीपल आर कोऑपरेटिव हेल्पफुल। और ये बैग आ गए अपना, और तो एक बढ़िया चीज़ देखी है हम लोग, क्योंकि यहाँ पे मास्क और सैनिटाइजर भी इशू कर रहे हैं, तो डेट्स इंपॉर्टेंट। एक सैनिटाइजर और मास्क लेते हैं, दिस इज फ्रॉम द शारदा हॉस्पिटल की तरफ से लग रहा है देख के, एंड सब लोगों को इश्यू कर रहे हैं, तो डेट्स अ गुड थिंग, अप्रिशिएबल। सो भाई साहब ये हो गई एंट्रेंस, यहीं पे ब्लॉग खत्म होता है क्योंकि काफी लंबा चौड़ा हो चुका है,
और अब हम लोग जा रहे हैं आगे, लेकिन यहीं पे खत्म नहीं होता। अगला व्लॉग में मिलेंगे आपसे, बहुत कुछ है दिखाने के लिए। जिम्मी है, और जिम्मी के अलावा है हमारे कतई जहर विकास दयाल भैया, जिनका अपना यूट्यूब का बहुत अच्छा चैनल है। सो बने रहिए इसी के साथ और एंजॉय करिए। और ये है जिम्मी की झलकी, बाकी वीडियो मेरी टी शर्ट और जिम्मी के कलर एक ही है, मस्त एकदम।